channel. This is Swati Kumar from Blonde Beauty and I hope you guys are doing well. I hope you guys like my previous videos, and if you are new to my channel, please do subscribe my channel and don't forget to hit the bell button. And in today's video, I'm going to show you this purpose eyeliner look. And in today's video, I'm using the black eyeliner and the purple eyeliner, and with this beautiful lipstick and contour. So let's get started. Little bit. उसके बाद मैं लूँगी अपना रेवलॉन का ये नेकेड फ्रेश पेज शेड में फाउंडेशन. थोड़ा सा लूँगी और मैं अपने ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड करूँगी. ये डायमंड शेप का ब्यूटी ब्लेंडर मेरे पास है जो कि कंसीलर लगाने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है. अच्छे से अपनी फाउंडेशन को स्किन में ऑब्जर्व होने दें और टाइम दें थोड़ा अपनी फाउंडेशन को ऑब्जर्व करने के लिए, और जस्ट डैब करने की कोशिश करें ज़्यादातर करके. जैसे ही आपको लगे कि आपकी स्किन एकदम स्मूथ हो गई है, तब तक आप इसको ब्लेंड करें. उसके बाद मैं लूँगी अपना नियरली नेकेड का पाउडर, उसको लगाऊंगी अपने फेस पे, डैप करूंगी अच्छे से. ब्लेंड कर लें पाउडर को, इससे आपका फाउंडेशन और कंसीलर लॉक हो जाएगा ऑन योर फेस. उसके बाद मैं लूँगी ये मिस क्लेयर का द चीकी ट्रायो, ये मैं आपको दिखा देती हूँ कैसा है. ये जो है कॉन्ट्योरिंग पैलेट है फ्रॉम मिस क्लेयर, इसमें एक ब्रॉन्जिंग ब्लशर और एक हाइलाइटिंग पाउडर मिलता है. इसमें हाइलाइटर नहीं होता गाइस, ओनली हाइलाइटिंग पाउडर यू गेट. और हाइलाइटर लगाने के लिए मैं लूँगी ब्रॉन्जर लगाने के लिए मैं लूँगी दिस ब्रश, और थोड़ा सा लेकर मैं अपने हाफ चीक्स पर अप्लाई करूंगी. मेक श्योर आप बहुत ज्यादा ना ले. अच्छे से ब्लेंड कर लें इसको. थोड़ा सा फोरहेड पे भी लगा लें. काफ़ी अच्छा पिगमेंट है इस मिस क्लेयर ब्रॉन्जर का, थोड़ा सा ही काफ़ी रहता है. अच्छा प्रोडक्ट है, आई रेकमेंड यू गाइस दिस प्रोडक्ट. ज़रूरी नहीं है जो सस्ते प्रोडक्ट होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं. Nowadays आपको सस्ते प्रोडक्ट्स में भी, चीप प्रोडक्ट्स में भी काफ़ी अच्छा रेंज मिल जाता है. मिस क्लेयर, सिवाना,
एंड ऑल इस टाइप के काफ़ी ब्रांड्स हैं. सो मैं अब अपना ब्लशर लगाऊंगी. मैं यही ब्लशर लूंगी. हाइलाइटिंग पाउडर लूंगी थोड़ा सा प्रोडक्ट लेके अपनी आईज के नीचे डैब करूंगी. जैसे कि देख सकते हैं आप, ये ऑलरेडी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है. ऑलरेडी मेरी आईज को बहुत अच्छे से नीचे से हाईलाइट कर रहा है, चीक बोन को. आईज के नीचे मैं थोड़ा सा डैब करूंगी, उसके बाद मैं अपना आई मेकअप स्टार्ट कर दूंगी. उसके बाद मैं लूंगी लैक्मे एब्सोल्यूट का इल्यूमिनेटिंग आई शेडो पैलेट, और उसमें मैं ये वाला ब्राउन शेड लूंगी अपने आई शेडो में डेप्थ देने के लिए. उसके बाद में ये आईलाइनर लूंगी लॉरियल का सुपर लाइनर लाइनर, और ये मेरा फेवरेट आईलाइनर है गाइस. मैं इसको काफ़ी बार यूज़ कर चुकी हूँ. इससे मैं एक नॉर्मल विंग्ड आईलाइनर बना लूँगी. बोथ साइड्स में एकदम बराबर आईलाइनर बनाऊंगी लाइन. उसके बाद मैं अपनी इसी आईलाइनर के ऊपर एक कलर्ड लाइनर का लाइन बनाऊंगी. जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि मेरा पर्पल कलर फेवरेट है, तो मैं उसी हिसाब से आज का जो आईलाइनर लुक रख रही हूँ वो पर्पल ही रख रही हूँ. और मैं ले रही हूँ कलर बार का पर्पल आईलाइनर, दिस वन. ये आप लोग देख सकते हैं कैसा पर्पल कलर है, सब ब्लू टोन पर्पल कलर. और ये मैं अपने इन्हीं आईलाइनर के ऊपर ड्रॉ करूंगी इसको. सो दैट ये कलर काफी पॉप होके रखेगा ब्लैक के ऊपर. अच्छा आईलाइनर है ये. तो आप लोगों को मेरा ये पर्पल कलर्ड आईलाइनर लुक कैसा लगा प्लीज़ आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा. और
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल बटन पे दबाना मत भूलिएगा. एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. बाय. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.